कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे लोहा बाजार में आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, टीएफडी सरिया में क्या कीमतें चल रही हैं, किस तरह उतार चढ़ाव ट्रेंड बाजारों में आज आप देख सकते हैं, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे इसे हमारे साथ। अब खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो लोहे के मार्केट में आज रिकवरी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। इंगट के बाजार में आज 100 से लेकर 200 रुपए तक की बढ़त आई है, लेकिन बाजार एक रेंज बाउंड दायरे पे ही कारोबार कर रहा है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो भारतम कंपनी का रेट 52,600 है, कामधेनु कंपनी कीमतें 59,101 चल रही है, केटू कंपनी का रेट 59,531 रुपए देखा जा रहा है, ज्योति कंपनी कीमतें बाजारों में 59,712 देखी जा रही है, फॉर्चून कंपनी का रेट 61,499 है, प्रबल कंपनी कीमतें 59,301 चल रही है, दुआबा कंपनी में आप 64,700 रुपए का रेट देखकर चल सकते हैं, दीपक कंपनी कीमतें 52,200 रुपए हैं, जब भारत कंपनी का रेट 57,900 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा शेयर पंजाब कंपनी कीमतें भी मार्केट में एक स्थिर दायरे पर देखी जा रही है, 60,411 रुपए का लेवल चल रहा है, आप जिंदल कंपनी में 59,700 रुपए का रेट आप बाजार में देखकर चल सकते हैं। तो इंगट के बाजार में भी आज रिकवरी आई है, एमएस इंगट का रेट इस वक्त 47,500 देखा जा रहा है, 200 रुपए तक की बढ़त इसमें दर्ज करी गई है, और स्प्रे की कीमतें 37,000 रुपए आप देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में एक रेंज बाउंड दायरे पर कारोबार देखा जा रहा है, हल्की सी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी का अनुमान नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी को देखते हुए मार्केट में आपको आने वाले 1-2 दिन तक और भी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से 100 से 200 रुपए तक की जो रिकवरी आई है उतनी ही हो सकता है, बाजारों में गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक सीमित दायरे पर कारोबार देखा जा रहा है, ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए फ्लैट नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हों तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।